शौकत साहब, शौकत अली फुल नाम है उनका, उनके रिहाइशगाह पे आए हैं, तारुफ भी करेंगे और बातें भी होंगी उनके। शौकत साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, शौकत साहब आप से बातें अब करेंगे जी बिल्कुल, और मीडिया से इनका ताल्लुक है और बालियात में खास तौर पे उनका फोकस है और बात काफ़ी कुछ वो मीडिया को भी बताएंगे। और शौकत अली साहब, पहले तो आप ये बताएंगे कि आप डेनमार्क कब आए और कैसा आपने पाया, थोड़ा सा अपना तारुफ करना। जी, अयूब साहब डेनमार्क में 2000 में आया था और उसके बाद जैसे कि आपको पता है एक नए मुल्क में और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जी जिसकी आपको ज़ुबान भी नहीं आती, जो इतना जाना भी नहीं जाता था। हम एक छोटा सा मुल्क है 55 लाख की आबादी का, एक ऐसी ज़ुबान। जब मैं डेनमार्क आने वाला था तो मैंने पाकिस्तान में कोशिश की, वहाँ इस्लामाबाद में लैंग्वेज कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी है, कि वहाँ पे अगर डेनिश ज़ुबान की तालीम दी जाती है, सिखाई जाती है, तो वहाँ शायद नॉर्वेजियन तो थी, डेनिश दुनिया में नहीं जाना जाता। यहाँ आने के बाद ज़ुबान की वजह से इस तरह तकरीबन हम सब मुख्तलिफ मसाइल से गुजरते हैं, हर किस्म की जॉब करते हैं। तो जब आया तो फिर शुरू में उस वक्त देखें हालात इतने अच्छे थे, तीसरे दिन ही एक जगह काम तो मिल गया, तो कोपनहेगन से 60 किलोमीटर के पास से खेतों में काम करना, सब्जियां वगैरह पैक करते, तो इस तरह मुख्य जॉब से गुजरते हुए अब यहाँ तकरीबन 20-21 साल का ऐसा गुजर गया। गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 साल से पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, मतलब रेडियोज़ हैं, उनके साथ भी मुंसलिक हूँ। वहाँ पे तकरीबन तमाम रेडियो जो चैनल हैं उनके साथ काम किया है, और आजकल जो रेडियो हम वतन उसके साथ आपको भी पता है मुतफरकात के नाम से प्रोग्राम करता हूँ, जिसका एक मुस्तकिल हिस्सा बालियात के नाम से है, जिसमें हम ज़रबे क़लीम से पेश करते हैं। हाँ, वो यहाँ से याद आया, यहाँ पे कहानी घर है उर्दू, जिसे डॉक्टर साइका राजी साहबा चलाती है, तो वहाँ पे भी बच्चों के लिए बालियात की क्लास का आगाज़ किया गया था। वो अच्छी, काफ़ी अच्छी जा रही थी, कि ये बीच में कोरोना का मसला आ गया, तो वो भी तकरीबन जब से कोरोना का मसला हुआ तो वो सिलसिला भी रुका हुआ। शौकत अली साहब पूरा फुल है ना जी? शौकत अली साहब ने मीडिया में काफ़ी स्टेशन में काम किया, फिलहाल जैसे बताया शौकत अली साहब ने कि वो लोकल पाकिस्तानी रेडियो हम मतलब उसमें काम कर रहे हैं, और इससे पहले भी आपने कहीं जगह काम किया? हाँ जी, उससे पहले रेडियो जो मैंने बताया जो आपकी आवाज़ से आगाज़ किया था, मैंने तकरीबन 3-4 साल वहाँ मैंने प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद रेडियो पासलिंग पे भी किया, और आज अब तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया रेडियो हम वतन पे जगह मुस्तफ़ा साहब के साथ मुतफरकात के नाम से प्रोग्राम कर रहा। आपने रेडियो पर आपकी आवाज़ को क्यों छोड़ा? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो यहाँ आपको रेडियो चैनल्स मिलते हैं, ज़ाहिर है हुकूमत आपको देती है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दिए जाते हैं आप। ये रेडियोज़ आपकी ज़ाती मलकियत नहीं होते कि आप इसमें अपनी पसंद और नापसंद को शामिल करें, क्योंकि मीडिया को मैं एक बड़ा मुकद्दस शोबा समझता हूँ। आपने लोगों तक खबरें पहुँचानी होती हैं, तो उन खबरों को फिर आप जू का तू पहुँचाएं, उसमें आपकी ज़ाती पसंद नापसंद शामिल जब हो जाए, आप कहें कि फ़लाँ बंदा रेडियो पे आ सकता है क्योंकि मेरे उससे अच्छे तल्लुकात हैं, फ़लाँ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे उससे अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, तो इससे ऐसी सोच रखने वाले बंदे को मैं कम से कम मीडिया के मेयार को पूरा उतरता नहीं देता। ऐसे बंदों के शोबे से मुंसलिक ही नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक ये शोबा बड़ा, जैसे मैंने कहा, मुकद्दस है। आप लोगों तक खबरें पहुँचा रहे हैं, तो वो खबरें फिर पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। आपकी पसंद नापसंद, आपके अच्छे और बुरे तल्लुकात का उससे कोई नहीं असर होना चाहिए। यहाँ मुमन ये किया जाता है कि जिन लोगों से आपके अच्छे तल्लुकात होते हैं आप उन्हें ही रेडियो पे बुलाते हैं, जबकि जिस तरह मौजूदा मेरा जिस रेडियो हम वतन से मैं मुंसलिक हूँ, तो रज़ा मुस्तफ़ा के दरमियान और मेरे दरमियान ये अहद है कि वो कभी मेरे प्रोग्राम में मुदाखलत नहीं करेगा। मैं जिसको चाहूँ अपने रेडियो प्रोग्राम में बुलाऊँ, अगर वो रज़ा का जानी दुश्मन भी है तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं।
वो रेडियो पे आकर अपनी राय का इजहार कर सकता है, मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से जब से रज़ा मुस्तफ़ा के साथ ये काम शुरू किया, हम दोनों आज तक इस शहर पे कायम हैं। मैंने जिसको भी बुलाना हो उसने कभी रेडियो प्रोग्राम में दाखिल किया। शौकत अली साहब से मैं पहले कभी नहीं मिला, पहली मुलाकात है मेरी। एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है उनसे, और उसके अलावा मैं जानता भी नहीं हूँ शौकत अली साहब को। मैंने इनका प्रोग्राम सुना रेडियो पे, तो उससे मुझे अट्रैक्शन हुई है। इनका मुझे अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे ये एक बालियात का जो प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इनसे बात करूँ और उनसे मुलाकात भी, और जाए उनकी जो मीडिया के थ्रू उनका जो है वीडियो लोगों तक पहुँचाई। मकसद मेरा यही है, और हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है कि हम किसी के ज़ात पे बात कर रहे हैं या मखसूस कोई रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया पे वो काम करते हैं। शौकत अली साहब से पूछूंगा कि एक अलामा इकबाल का ही इंतखाब आपने क्यों किया है? हालांकि सर सैयद अहमद खान और जैसे शौकत अली आपका नाम है, इसी तरह वो अपना नाम आपके वो भी बहुत मशहूर जी। बिल्कुल, सर सैयद अहमद खान बहुत बड़ा नाम है। मैंने उन पे रेडियो पे भी प्रोग्राम किया कि उनके प्रोग्रामों में मैंने यहाँ तक कहा कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो शायद कोई इकबाल ना होता, शायद कोई कायदे आज़म ना होता। कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान ने जिस तहरीक का आगाज़ किया कि मुसलमानों को जदीद तलीम से रोशनास कराया जाए, मुजैन किया जाए, उसी से वो हरावल दस्ते तैयार हुए थे जिनको कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जिन्हें मुखातब किया, कायदे आज़म ने जिनको इस्तेमाल किया पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपनी फोर्स के तौर पर। तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक आपने कायदे आज़म की बात की, तो बदकिस्मती से कायदे आज़म हमारे कौमी शायर तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने सिर्फ उनका नाम सुना हुआ, हमने सिर्फ ये किताबों में पढ़ा है कि वो हमारे कौमी शायर थे या हैं। इसके अलावा हम अल्लामा इकबाल के मतलब कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं, इधर से सुन ली उधर से सुन ली। हम उनको उनके कलाम के हवाले से भी नहीं जानते। वो मुसलमानों में एक तहरीक पैदा करना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि तुम्हारी पसमानदगी का जो असल वजह है वो तुम्हारी इल्म जस्तजू और तहकीक से दूरी, तुम उन मसाइल में उलझ कर रह गए जिनका शायद तुम्हारी कौमी इज्तमाही ज़िंदगी पे उस तरह असर नहीं पड़ता। हमारी जैसे हम अभी इज्तमाही बात कर रहे, तो अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो हमारी यकीन करें आज भी हम पे पहले से कहीं ज़्यादा उसका इतलाक होता है। जब वो कहती हैं आईने में उसे डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, कौमों की ज़िंदगी में यही मरहला कटन होता है, मरहला यही कटन है। ज़र्बे क़लीम क़लीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी सोच और ऐसी फिक्र जो साम्राज्यी कुवतों के खिलाफ खड़ी हो, जो एक रास्ता खोल दे अपनी, उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़र्ब ने क्या किया था, दरिया नील को तकसीम कर दिया, उनकी कौम के लिए एक रास्ता बन गया। तो ज़र्ब क़लीम का इंतहा मैंने इसलिए किया कि हमें भी किसी राह अमल की रास्तों की ज़रूरत है, उन रास्तों को हम खोलें, उन जंजीरों से आज़ाद हो जाएं जो साम्राज्यी कुवतों ने जिन में हमें जकड़ रखा है। शौकत अली साहब ने जो है मीडिया में कई रेडियो स्टेशन से भी काम किया, और वैसे भी इनकी रिसर्च भी है। अल्लामा इकबाल में ज़ाहिर इनका फोकस होता है, इकबालियात का प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा भी ये प्रोग्राम इनके होते हैं, और वो जैसे टीपू सुल्तान है या वहाँ पर इस्लाम की जो मशहूर शख्सियात हैं उनके बारे में भी ये प्रोग्राम करते हैं, तफसील से करते हैं, और कुछ अखबार का भी बताते हैं ऐसे जी। बिल्कुल, इसी तरह आपने टीपू सुल्तान का जिक्र कर दिया, तो पिछले दिनों में मैंने वो एक छोटी सी पोस्ट लगाई थी कि वैसे कि हमारे जो पाकिस्तान की फौज है उसमें घोरी का मिजाइल मिलेगा आपको, लेकिन टीपू सुल्तान साहब का क्यों नहीं जी? तो मेरे जहन में ये सवाल उठा था, तो वैसे जो उसका मेरे जहन में आया कि शायद इसलिए नहीं है कि टीपू सुल्तान साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे,
और जबकि गोरी का मिसाइल हमने बनाया हुआ है कि सुल्तान गोरी पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ा जो कि हिंदू था। और मेरे दिल में जो वजह आई और जो मैंने फिर एक प्रोफेसर अख्तर साहब है उनका एक मजमून भी मेरी दिल नज़र से गुजरा कि वो भी कहते हैं कि यही सवाल मेरे दिल में भी उतरा था और फिर वो खुद ही बताते हैं कि उसका जवाब भी मुझे मिल गया क्योंकि वो जिस चकवार के जिस खत्ते से तल्लक रखते हैं वो कहते हैं हमारे वहाँ पे 1916 में विक्टोरिया क्रॉस शायद अहमद खान साहब के कोई सिपाही थे उन्हें मिला था तो उसका 100 साल जश्न मनाने के लिए हमारी अफवाज के अफसरान वहाँ हाजिर हुए उस कब्र पे सलामी दी फूल चढ़ाए तो वो कहते हैं ये देख के मुझे सख्त हैरत हुई कि हम टीपू सुल्तान के नाम पर कोई दिन क्यों नहीं मना हम 100 साल पुराना विक्टोरिया क्रॉस जब वो जंग जो हम अंग्रेज़ों की खातिर लड़े उनके हीरोज को तो हम याद करते हैं चाहे 100 साल भी गुजरते हैं लेकिन उस हीरो को याद नहीं करते जो अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी मुजाहमत थी जिसके शहीद होने पे अंग्रेज जनरल ने नारा लगाया कि आज हिंदुस्तान। शुक्री सब तो ज़ाहिर रेडियो में और मीडिया में काम करते हैं थोड़ा सा याद के बारे में भी बात करते हैं शुक्री साहब से। शुक्री साहब पाकिस्तान और डेनमार्क में कोई फर्क आपको क्या महसूस है? फ़र्क के हवाले से आपने बात की तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब पाकिस्तान में हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे एक अकेडमी थी तो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने चाहते थे तो वहाँ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए हमें अक्सर ऐसा एहसास होता था मुस्लिम जेन ऑस्टन का नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस मुझे आज भी याद है जेन ऑस्टन के थे थॉमस हार्डी के थे तो वो पढ़ते हुए ऐसे लगता था एक बार सर से कहा सर ये तो ऐसे लगता है आप रज़िया भट्ट के नावल पढ़ रहे हैं तो वो मुस्करा दिए और उन्होंने कहा इसलिए ये आपको पढ़ाए जाते हैं क्योंकि हम उन माशों से 100 साल पीछे हैं आपको ये कहानियाँ इसलिए अपनी कहानियाँ लगती हैं कि जिस फेज से वो गुजर गए हम उससे अभी गुजर रहे हैं। तो एक तो डेनमार्क और पाकिस्तान के हवाले से जो आपने बात की तो ये तो 100-150 साल 125 साल का ही फ़र्क है। ये एक जमहूरी माशरा है और हम अभी तक जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब एक और दिलचस्प आपने ये बात कर दी तो ये वाक़ा हमेशा मुझे यकीन करें दुख देता है जब कभी मैं इस वाक़े पे सोचता हूँ। जब मैं डेनमार्क आया तो 28 साल के बाद पहली मरतबा मेरा जाना हुआ वापस तो मैं अपने वालिद साहब के साथ उनके दोस्त को मिल गए असगर भट्टी साहब अल्लाह तआला ने जन्नत नसीब करे इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे तो जब मैं उन्हें मिलने गया और उनके तो जाके हम वहाँ बैठे हैं तो अबू कोई बात करने ही लगे भट्टी साहब से तो भट्टी साहब कहते हैं असलम साहब एक मुंह हो जाए तो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए तो मुझे कहते हैं शोकत बेटे खुश हो राजी हो कोई मसला तो नहीं परेशानी तो नहीं मैं कहा नहीं अल्लाह का बहुत शुक्र है कोई मसला नहीं बहुत खुश हो। तो अगली बात जो उन्होंने कही वो मेरे लिए आज भी तकलीफ है। वो कहते हैं शोकत बेटा मैं दुआ किया करता था कि तुम यहाँ से चले वहाँ तुम्हारी बातें सुनता था तो मैं कहता था अगर ये बच्चा इन्हीं सोचों के साथ इस माशरे में रहना चाहेगा तो ये यहाँ नहीं रह सकता जिसके लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाए तो मुझे खुशी है तुम यहाँ से चले गए हो एक ऐसे माशरे में चले गए हो। कारखाने में तूती की आवाज़ अगर इस बात से कोई 2-4-5 बंदों को भी समझ आ जाए कि हमें अपने वतन में किस किस्म का माशरा तश्कील देना तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। शुक्री साहब का एक और मनफरद अंदाज है कि फेसबुक में भी मैं देखता रहता हूँ और नेट पे भी इनका देखता रहता हूँ ये जैसे और लोग हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ कि हम कहते हैं कि हमारी तस्वीर किसी यानी फंक्शन में आ जाए या किसी हम फंक्शन में बैठे हों या वैसे ही अपनी पोस्ट सब लगा देते हैं कहीं खड़े हों लेकिन ये कोशिश करते हैं कि ये नहीं हो कि किसी अहम बंदे के साथ ये उनकी तस्वीर हो इनकी इन्होंने ये मेन फोकस इनका यही रहा कि ये जो बिल्कुल ऐसा दबा हुआ तबका या मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान गए थे तो इन्होंने एक वो जो मांगने वाली है बच्ची उसके साथ तस्वीर बनवाई थी तो इनका फोकस ऐसा है कि माशरे के ये लोग भी जिंदा रहने का रखते हैं और अच्छी सोच है इनकी वो इसका थोड़ा खुद बताएंगे जी। सब ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल
कि हम ये भी बहुत है कि अगर हमारे यहाँ वतन अजीज से कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई वजीर आता है, तो हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम इसके साथ बैठ जाएं, हमारी इसके साथ कई तस्वीर खींच ली जाए, जो बाद में वो हर फोरम पे शेयर करते हैं। मैं खुद 3 साल पीटीआई में रहा हूँ, यहाँ मिनिस्टर आए हैं, शोकत यूसुफ सईद साहब आए, गुराज सईद आए, आप कभी मेरी तस्वीर उनके साथ नहीं देखी। 3 साल तकरीबन पीटीआई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहा, नहीं होती। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आप जब किसी बड़े शख्स के साथ फ़ोटो खिंचवा कर उसे शेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। या मिसाल के तौर पे अपनी भी बाज़ूकात वो करते हैं कि कहीं पड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को अपनी पिक्चर्स को नीचे वो कुछ लिख देते हैं, चलिए क्या आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे बड़े तल्लुकात हैं, मेरी बड़ी अप्रोच है। तो ये दरअसल आप अपने अंदर के एहसास कमतरी का इजहार कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात की, अपनी अहमियत की नफी कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं, लेकिन इसके साथ खड़ा हो के शायद मेरा कद भी बड़ा हो जाए। तो मैं इस चीज़ को इस तरह देखता था, इसलिए हमेशा इससे एतराज़ करता था। फिर वही बात कि देखें, हमारे यहाँ लोगों की उस तरह ज़हनी नशोनुमा ही नहीं की गई, तरबियत ही नहीं की गई। मुझे कायदे आज़म याद आते हैं कि जब एक महफिल में एक कैप्टन ने उनसे सवाल किया कि जो मुखालिफीन हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वायबल नहीं, ये नाकाम हो जाएगा, ये अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सकेगा, माशी तौर पर कोलैप्स कर जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स। तो कायद आजम ने उससे, कैप्टन से पूछा, तुम्हारी क्या सोच है? वो कहता है कि मैं इस बात पे इसलिए यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान कायम रहेगा क्योंकि आप कहते हैं ऐसा, आप हमारे लीडर हैं। तो कायद आजम ने जो आगे से उसे कहा, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में सबसे पहले किसी को जॉब से फायर करना चाहूँगा तो वो तुम हो, तो तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं, जो मैंने कहा तुमने उसे ब्लाइंडली उस पर यकीन कर लिया, तुम्हारे अपने पास भी कोई जवाब होना चाहिए। क्या आज हमारे वतन में हमारे लोग आवाम इस तरह नहीं करते कि जो हमारे लीडर ने कह दिया जी वो ही ठीक है, वो इस पर सोचते नहीं, वो नहीं करते, उनकी अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर आप अपनी, वो क्या लामा इकबाल कहते हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, उनको ये भी कहा ना खुदी को कर बुला देता, खुदी को कर बुला देता कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये खुदी दरअसल ज़ात की तमीर का नाम, अपने वजूद की अहमियत का एहसास होने का नाम। जो जिस माशरे में इंसान भेड़ बकरियों की तरह हो कि एक बंदा छड़ी पकड़ के आपको जिस तरफ चाहे हांग के ले जाए, वो माशरा कतन इंसानी नहीं कहला सकता। जिस माशरे के अफराद को अपनी ज़ात की अहमियत और अपनी इज्जत नफ्स का ही एहसास नहीं कि हम हैं तो ये सब कुछ है, हम नहीं तो ये कुछ भी नहीं। बहुत सुलझा हुआ प्रोग्राम है, आप लोग जाहिर है इसको समझ बूझ तो जाहिर है सब लोगों में है, उससे ही आप देखेंगे, उस जाविया से जब देखेंगे तो तभी आपको ये बातें समझ आएंगी। शौकत अली साहब ने मुझे टाइम दिया है और इनके घर में मैं आया हूँ, और आसान बात नहीं है, वो उनके भी कई काम होते हैं और मेरे भी, तो उसको अपने छोड़ के मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का यही है कि हम लोगों को अपनी बात जो है जो दिल में रखते हैं वो उनको वीडियो के ज़रिए पहुँचा दें। और नाइस बंदे हैं, उन्होंने वीडियो में काफ़ी काम किया, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, अब शौकत अली साहब को मैं मौका दूँगा अपनी बात पहले मैं कर लूँ, तो जिन लोगों को भी मैं जानता हूँ, मेरा मकसद ये है कि उनकी जो है जो उनके सोच है उसको याद किया जाए। आप शौकत जी, ये आप बात कर रहे थे तो क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा से इश्यूज पे बात होती रहती है, तो एक दोस्त कह रहे हैं उनसे थोड़ी सलाम दुआ रही, तो वो भी जब भी कोई ऐसी नई बात करूँ उसको एक्सेप्ट नहीं करूँ, वो कहते हैं आज वो उन्होंने एक अजीब बात की, वो कहते हैं कि तुम्हें मुफ्ती होगी वो इसीलिए बुलाते ही नहीं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने कहा आखिरी बार मैं 2 तंजीमों में जहाँ मुझे कुछ कहने का मौका मिला था, तो उसके बाद मुझे पता चल गया था कि इन 2 तंजीमों में ये मेरी आज आखिरी स्पीच थी या बात, इसके बाद ये मुझे कभी नहीं मिला।
क्योंकि मैं वो कहता नहीं जो लोग डेनमार्क में हमारे देखे पाकिस्तानी जो पहले दौर में आए हैं 70 में ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत काम किए हैं और ज़ाहिर है उनकी वजह है कि वो यहाँ पे अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने तो हम भी हमें भी फ़ायदा हो रहा है और अब जाहिर है नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है यहाँ में हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखें मुस्बत रखें और उसमें जो है अपना थोड़ा सा दिल को वसी रखें तो हमारी अपनी आसानी है नहीं तो यहाँ पे वक्त गुजारना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें यूं सा भी आपने कहा जिक्र किया कि हमारी यहाँ जब पाकिस्तानियों का यहाँ आना हुआ तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए इसमें कोई शक नहीं थी वाकई उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए। उससे पहले वो जब बात हो रही थी कि हम तनकीद को या सवाल को बर्दाश्त नहीं करते तो हमें जो डेनमार्क में ज़्यादातर आबादी है बहुत ज़्यादा आबादी है वो पंजाब से तल्लक रखती है तो अलामा इकबाल की बात भी हम कर रहे थे तो अलामा इकबाल ने तो इस पर पूरी पंजाबी मुसलमान के नाम से एक नज़म लिख डाली उसमें वो जो एक बात कहते हैं मुझे वो सबसे अच्छी लगती है और वो फिर वो हमारे रवैयों की हमारी सोच की मुकम्मल तस्वीर कशी करती है। वो कहते हैं वो खेल फिक्र की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता वो खेल मरीदी का तो करता है बहुत जल्द क्योंकि पंजाबी मुसलमानों से असल में उस नज़म में उन्होंने पंजाबी मुसलमान की खास तौर पर जज्बातियत की तस्वीर कशी की ये बड़ा जज्बाती है ये ऐसी महफिलों में तो बड़े शौक से शिरकत करता है जहाँ पीरी मुरीदी का खेल खेला हो जा रहा हो जब आपने देखा है कि ऐसी महफिल में जो आम तौर पर किसी मुरीद होते हैं वो बिल्कुल ही सबमिसिव होते हैं वो इस कदर एहतराम के शीरे में डूबे होते हैं कि वो नज़र तक ही उठाते अपने पीर के आगे दार का वादी पढ़ना जी ये है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा है ये जैसे शौकत ये सब बता रहे उन्होंने कॉन्सेप्ट वही दिया हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और फलाही रियासत का और हमारे मुल्कों में भी हम चाहते हैं कि फलाही रियासत बने कॉन्सेप्ट को लिया जाए ज़ाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह जब मुसलमान हैं हमारा प्यारे नबी पे जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे जब यकीन है और फिर उनके वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं तो उन्होंने जो काम किए हैं तो हम इस्लामी जमहूरिया जो भी मुल्क हैं जितने भी हैं इस्लामी उनको भी ये तरीका अपनाना चाहिए और अफसोस की बात है कि वो इसको अपनाते नहीं और अपने फ्लाई मुल्क मुमलिकत नहीं बनाते हैं। उसके अलावा यूप साहब ये तो एक फ्लाई रियासत का ये पहलू हो गया कि उसमें जानवरों के भी हकूक होते हैं और आज दुनिया देखिए इस पर बड़ा जोर देती है आप कई फिल्में देखते होंगे वो बनने से पहले कई बार आता है ऐलान किया जाता है कि इस फिल्म के बनाते वक्त किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा कि इतना हम जानवर के हकूक का ख्याल रखते हैं एक तो ये बात होगी और दूसरी बात जो है वेलफेयर सोसाइटी की जो एक सबसे अहम बात होती है कि वहाँ इंसानी एहतरामी आदमियत को अव्वलीन दर्जा या हसीयत दी जाती है। शौकत अली साहब की मेन फोकस तो जाहिर है हुई है इंसानियत है उसकी फलाह है और सुलझी हुई बातें हमने की हैं इसमें जाहिर सुलझे हुए अंदाज में ही की है उन्होंने उनका अपना अंदाज है और जो सुलझे हुए लोग हैं वो उसको जाहिर बात है वीडियो को पसंद करेंगे मेन मकसद भी हमारा बनाने का यही है और खामियां हमें भी हैं इसका यह मतलब नहीं कि हम अगर बातें कर रहे हैं तो दूसरों को कर रहे हैं उस पर हमें भी अमल करने की और हम भी कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करें जो बात करते हैं प्रोग्राम में जो होता है तो उसको हम सोचते भी हैं कि हमने इस तरह बात की हमें भी ये करनी है। शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वक्त दिया मुझे और अपने आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे तक आए वरना मैंने जो कहा कि वो मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें तो कोई बुलाता भी नहीं है अभी भी काम कर रहे हैं शौकत साहब यहाँ पे कोई मसला नहीं है काम सब भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ ये हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट होती है और ये हमारे एक्स्ट्रा हम अपने जो है उसके तौर पे काम करते हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कोई उसके पैसे नहीं मिल रहे या मेरे कोई जॉब नहीं है मेरी मैं वैसे ही शौकिया बना रहा हूँ और ज़ाहिर उसमें टाइम निकाल के बना रहा हूँ ये भी अपना जो वक्त दे रहे हैं इनके कई और काम होंगे उन्होंने अपना वक्त दिया
और ये ऐसे नहीं होता कि बस वो कह दिया तो वो आगे और बैठ गए, तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग कर ली होती है, उन्होंने टाइम दिया मुझे। अयूब साहब, एक और बात आखिर में इसका जरूर इजाफा करना चाहूँगा, यहाँ क्योंकि हम टाइम आइए तो हमने जो जितनी बातें की अपने दीन के हवाले से, कम्यूनिटी के हवाले से था, लेकिन क्योंकि हम टाइम मार्क में भी रहते हैं और यहाँ के अगर हम सियासत में जुड़े हैं या मार्शल में जुड़े हैं, तो ये भी नहीं हों जो इलेक्शनों के दिनों में या किसी भी कंपेन के दौरान सियासी पार्टियों को फंड्स की सूरत में मदद करें, तो फिर आपकी वो जो प्रेशर ग्रुप बना होगा वो आपके मफादात का ख्याल रखेंगे। हम यहाँ सिर्फ काउंसलर बन जाते हैं कि अपने नाम के साथ लगाने के लिए, पीछे पाकिस्तान में भी वाह वाह हो जाती है कि जी डेनमार्क में काउंसलर हैं, यहाँ भी आपका तारफ एक सियासतदान के तौर पर होता है, लेकिन बात वही है जो उन काउंसलर साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने खुद इकरार किया कि हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते, ना हमसे ऐसी कोई तो रखें, तो फिर हम वो तरीका इख्तियार क्यों ना करें, वो राह इख्तियार क्यों ना करें जिससे डैनिश सियासत में हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमारी मुतालबात या ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए, उनके उसका तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डैनिश सियासी पार्टियों के रुकन बने, पेड मेंबर बने, उनके अंदर रहकर प्रेशर ये ना मुमकिन। वो हमारे कई चीज़ा चीज़ अफराद हैं जो उन्होंने यही बात की है कि हमें ज़ाहिर एक्टिव होना पड़ेगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ हार्ड वर्किंग पीपल, तो मेरा मौजू इसलिए हार्ड वर्किंग क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, अपने यहाँ पे काम करने के बाद जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना आसान नहीं, जो करते हैं उन्हें पता है, लोगों को तो नहीं पता, वो देख रहे हैं अब इनका जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं या और जो है इनका, तो हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए, ये हमारा मकसद। शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया।